किसान भाइयों, मैं आज लावड़ क्षेत्र में हूँ और ये महल गांव है जी, महल महल में हूँ और ये इसके मालिक है, क्या नाम है? शमीम। शमीम, तो कितना आलू बो रखा आपने? हमने बो रखा पौने 400 बीघे। पौने 400 बीघे, तो आलू बोते, गन्ना नहीं बोते? नहीं, गन्ना नहीं बोते, सब्जी बोएंगे। अच्छा, आलू के बाद और क्या बोओगे? भैया आलू के बाद घिया, खीरा, भिंडी, मिर्च, टमाटर, भुट्टा। मुझे ऐसा लग रहा है गन्ने में किसान ज़्यादा दुखी है, साग सब्जी बोए अगर सारी चीज़ तो एक में नुकसान है, एक में फ़ायदा भी हो सके। एक में फ़ायदा ये नहीं मानते। तो कुल मिला के कैसा हो सकता रहा आलू का? हमारा तो जी बढ़िया आ रहा जी। अच्छा, कुछ लोग नुकरे कम निकल रहा, कुछ लोग नुकरे कम है क्या? हाँ, क्या कम भी है जी, सही बहुत कम निकल रहा। तो ये बीज का फर्क है, क्या कारण है? बीज का ही फर्क है। कुछ टाइम की बात है, कौन से टाइम पर बोया था आपने? ये हमारे 25 अक्टूबर के बोए थे। सही टाइम के। कौन सा बीज बताया? 37। ये 37 चंबल वाला। चंबल वाला भाई, 37 बीज है, 37-97 जी। बहुत सुंदर आलू है भाई, बीज साइज भी है और दो ट्रैक्टर यहाँ खुदाई में लग रहे हैं। अच्छा, एक दिन में कितना खोद दें? जैसे हम 25 बीघे खोद देंगे एक दिन में जी। और लेबर कितनी होगी? लेबर है 60। 60 जी। तो हाँ, देखो पब्लिक सी है इसमें, एक आदमी से काम नहीं होता। एक से तो मतलब अब जैसे तुमने क्या लगा कर दिया, कट्ठे कट्ठे भरवा दिए, इन्हें ट्रॉली में रखोगे वहाँ ढेर पे? हाइब्रिड हमारा खुद है वहाँ, देखियो आता हूँ। मोहन है, स्पेशल 4 है। तो जैसे ये नया बीज है, कौन सा है? नया ही है। तो बेचते भी हो आप? हाँ, बेचते हैं। अगर कोई डायरेक्ट किसान लेना चाहे आपसे ले सके? हाँ, हमारे से डायरेक्ट ही लेंगे ज्यादातर। तो अपना नंबर बोल दो मेरे फोन में। 9927572967। नाम? नाम साकिब। रहते कहाँ? लावड़। लावड़। तो भाई ये इनका नंबर है, जिस किसी को लेना हो मतलब आप तो ट्रक के ट्रक भी दे सको। जी जी जी। तो भाई आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, बहुत बड़ा काम है आलू का इनका। और मैं आपको खुदाई होती दिखा रहा हूँ, अब जा देखो कितनी स्पीड पे काम चल रहा है। इधर ही ये लोड कर रहे हैं क्या लगे माल को भाइयों। जब कोई काम करता है ना, अधिक रकबे में करो तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान होता है। अब 10 बीघे बोलिए, उसमें क्या खर्चा निकलेगा? अब देखिए ट्रैक्टर भी चल रहा है, लेबर लग रही हैं, 60 लेबर हैं इनके पास में। लावड़ से आगे महल गांव है, उसके बिल्कुल गोरे में ये खुदाई चल रही है भाइयों। जबकि ये गोरे की ज़मीन है, बिल्कुल डांकरी। अगर ये थोड़ी और रोसली होती तो और भी आलू अच्छा निकलता। और अब क्या बारिश जो दिख पड़ी ना, उसकी वजह से थोड़ा फुलावट कम हुई, लेकिन मालिक फिर भी खुश है, करे हमारा तो अच्छा निकल रहा है। अभी मैं मालिक से एक बात और पूछूंगा, वो रह गई, ये पत्ता काटते हैं या इस पर कोई स्प्रे भी करते हैं? देखिए इनके पास सभी ट्रैक्टर महिंद्रा हैं, ये भी महिंद्रा है, और इधर ये गया, ये भी महिंद्रा है, और भाइयों ये भी महिंद्रा है, और पर एक चौथा ट्रैक्टर आलू ढो रहा है, वो भी महिंद्रा है। तो भाई ये 4 ट्रैक्टर खेत में लगे हुए हैं, और इनका कहना है 25 बीघे, 25 चौका 100, तो 15 दिन में भाइयों ये 400 बीघा आलू खोद देंगे। देखो इनकी स्पीड है, आलू का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है यहाँ लावड़ में, ज़्यादातर आलू ही बोते हैं, सब्जी। ये ट्रैक्टर है महिंद्रा 575, 13 के टायरों में, बहुत बढ़िया काम कर रहा है आलू। ये बच्चा खूड में से क्या लगा हटा रहा है, क्योंकि ये खोदते जा रहे हैं लगातार। दो ट्रैक्टर लगातार खुदाई कर रहे हैं भाइयों।
बहुत बड़े पैमाने का आलू का काम चल रहा है दोस्तों। ये भी 575 है, ये न्यू सुपर वालों की मशीन है आलू खोदने की। किसी को ये बनवानी हो तो मैं इनका नंबर बोलता हूँ, 90 45 28 53 35 93 58 40 53 35। ये न्यू सुपर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मेरठ का नंबर है, आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हो भाइयों। अब देखिए कितनी बढ़िया खुदाई कर रही है, ये सारा जंगल है, सब खुद जाएगा क्योंकि मौसम ने मौका दिया है खुदाई का। इन्होंने एक दौर से बाढ़ रख रखा, फटाफट खोदते जा रहे हैं। और ये देखिए लेबर फटाफट टोकरी में भर रही है, फिर पीछे पीछे कट्टों में। और ये देखिए ये कितने कट्टे, हजारों कट्टे हैं जो आधे आधे भर कर रख दिए, और ये ट्रॉली में साथ के साथ लोड कर रहे हैं। और ये जहाँ भी इन्होंने अपना ठिया बना रखा है आलू पलटने का, वहाँ जाकर पलट रहे हैं फटाफट, वहाँ फिर लेबर छटाई करेगी। अलग अलग 60 लेबर है तो कई हजार रुपये रोज चल रहे हैं। ऐसे टाइम पे कुछ ट्रैक्टर ये लोग किराए पे भी लगा लेते हैं क्योंकि अकेला मालिक काम नहीं कर सकता, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, बहुत काम चाहिए। अच्छा भाइयों, आलू खोदने की मशीन दोनों ही बढ़िया हैं, ये भी अच्छी है। ये कौन सी है, इस पे नाम नहीं लिखा, पुरानी है। मुझे तो न्यू सुपर की अच्छी लगी भाइयों, ये कुछ ज़्यादा ढाल सी चल रही है। काम तो दोनों ही बढ़िया कर रही हैं, लेकिन यही ज़्यादा मुझे सही लगी, न्यू सुपर बहुत बढ़िया, आवाज़ भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी किसी को आलू ख़रीदने हो तो वीडियो पूरी देख लो, उसमें नंबर बताया है, आप खुद कितना आलू चाहिए, किस साइज का चाहिए, कौन सा बीज चाहिए, इनके पास में हर तरह का आलू है। तो दोस्तों नमस्कार।